स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन में हंगामा चल रहा है। हंगामे में बता दें कभी निष्कासित किया जा रहा है तो जो निष्कासित हो रहा है वो जाकर के सेंट्रल बार से अपना स्थगन आदेश लेके आ रहा है निष्कासन के प्रति। तो वहीं अध्यक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि इस निष्कासन का स्थगन आदेश को हम नहीं मानते हैं। उनका काम सेंट्रल बार का काम केवल और केवल इनरोलमेंट रजिस्टर करना है और इनरोलमेंट रिजेक्ट करना है, स्थगन आदेश देने का उनका काम नहीं है। तो वहीं आपको बता दें पूरे मामले से हम आपको अवगत कराते चले कि विगत दिनों पूर्व में 3 बार महामंत्री रह चुके हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और मुख्तार अंसारी के खास अधिवक्ता दरोगा सिंह के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए दरोगा सिंह को एडवोकेट और पत्रकार विनोद सिंह को साथ ही शमसुलहसन एडवोकेट साहब के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें आगे दिखाएंगे किस तरह की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं जिनमें काफी खुशी है, बहुत सारे ऐसे हैं जो काफी उदास हैं, लेकिन कोई कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहा है, केवल हर लोग कैमरे के पीछे से ही अपना वक्तव्य दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि जहां तीन बड़े वकील कह सकते हैं, अध्यक्ष महामंत्री और पूर्व महामंत्री, आपस में जबरदस्त तकरार चल रही है। इसी तकरार के दौरान मामला यहां तक बढ़ गया कि पूर्व महामंत्री दरोगा सिंह के ऊपर गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई थाना कोतवाली में। उनके ऊपर लंबे रुपयों के गबन का आरोप लगाया गया। गंभीर धाराओं में बता दें कि आईपीसी की 419, 420, 406, 467, 468, 471 इन गंभीर धाराओं में संज्ञेय अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस को पूरा अधिकार होता है, जो 7 साल तक की सजा के जो ही कानून जो भी धाराएं हैं उसमें पुलिस को अधिकार होता है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर ले। लेकिन अब देखना यह है कि जहां एक तरफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया तो वहीं दूसरी तरफ दरोगा सिंह जैसा पहाड़ वकील खड़ा है जिसको हिलाना काफी मुश्किल होता है, जिनके ऊपर पूर्व में ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी साहब जब कलेक्टर थे उन्होंने कोरोना काल में 307 से संबंधित धारा 307 में मुकदमा दर्ज करा दिया था। उस मामले में भी दरोगा सिंह ने FIR लगवा दिया था। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या होता है और किस तरीके से इस मामले को डील किया जाता है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि जो वकील दूसरों का केस देखते थे आज अपने केस में उलझे हुए हैं। काफी गहमा गहमी का माहौल कलेक्टर कचहरी में चल रहा है। अब देखना यह है कि इस तरीके से क्या केवल दरोगा सिंह को ही, जिस तरीके से योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी को टारगेट बनाया है, उस तरीके से कचहरी में अध्यक्ष और महामंत्री ने पूर्व महामंत्री दरोगा सिंह को टारगेट बनाया है या कि कोई और मामला है, आइए पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, पूरे वीडियो से अवगत कराएंगे। दरोगा सिंह सहित आरोपी दरोगा सिंह सहित अध्यक्ष विनोद पांडे का पूरा बयान दिखाएंगे, उन लोगों ने क्या कहा, साथ ही हम आपको FIR की कॉपी भी दिखाएंगे जो FIR दर्ज हुई है। अध्यक्ष जी, आपकी इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद आज फिर आपने अचानक बुलाया अपना साक्षात देने के लिए, क्या आखिर मामला है, पूरा प्रकरण बताएं। देखिए, हमारे सिविल कोर्ट ने एक अधिवक्ता हैं दरोगा सिंह जी, और दरोगा सिंह जी दुनिया का हर दुर्गुण रखते हैं अपने पास, और उसके आधार पर वकीलों पर भी माफियागिरी, वकीलों को मारना पीटना, कई वकीलों को मार चुके हुए। इसके बाद उनका मुख्य काम दलाली का है, वकालत तो कम करते हैं, दलाली ज़्यादा करते हैं, जिसके चलते काफ़ी पैसा कमाया उन्होंने, और पैसा कमा करके धन बल के ताकत पर बार पर उन्होंने कब्जा किया, महामंत्री का पद जीते और 3 बार महामंत्री रहे। लेकिन बार का ही जो अधिवक्ताओं का खून पसीने का पैसा है उसका उन्होंने गबन किया, कूट रचना किया, जाली दस्तावेज तैयार किया, और जाली दस्तावेज के आधार पर उन्होंने पैसा निकाला,
उनके भाई नौकरी करते थे रानीपुर ब्लॉक में और उनको बार एसोसिएशन का मेंबर बनाकर और उनके नाम पर धन निकाला और हमारे यहाँ जो पैसा होता है वकीलों के सुख दुख में मुसीबत के समय जब अधिवक्ता मर जाता है या उसके दवा के लिए पैसे की जरूरत है तो हम लोग उसमें से पैसा देते हैं। उस पैसों का गबन किया इन्होंने और अपने भाई जो नौकरी करता था उसके भी मृत्यु का पैसा मृत्यु पर मरण मिलने वाला पैसा निकाल कर ये ले लिया अहेतुक वाला। ठीक है, इसके बाद एक अधिवक्ता के यादव थे हैं उनके विरुद्ध जज की चमचागिरी में अपना गुड फेथ बनाने के लिए उनके खिलाफ एक फर्जी मीटिंग का प्रस्ताव बनाकर ले जाकर के दे दिया जज साहब को, जिसके आधार पर हमारे अधिवक्ता के भाई के खिलाफ आज भी हाई कोर्ट में कंटेम चल रहा है। मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं उन्होंने, मजबूर होकर के 25 जून को सदन की बैठक हुई और जिसमें बहुमत से, बल्कि ये कहिए कि 99% लोग उपस्थित लोगों में से इस मत के हुए, उनका जब जनमत संग्रह कराया हमने तो इनके खिलाफ वोट दिए, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इनको बाहर से निकाला गया। इतना ही नहीं, जब मैं व्यवस्था दे रहा था उस समय ये हमको अपशब्द बोल रहे थे, गाली दे रहे थे सभा में पूरी अधिवक्ताओं के सामने इन्होंने मुझको गाली दिया और जितना कह सकते थे सब कहे। इसके साथ ही एक विनोद सिंह है हमारे यहाँ, वो बराबर बार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए काम करते रहते हैं और वकील कम पत्रकार ज्यादा हैं, साथ पत्रकारिता का पैसा वैसा भी लेते हैं, कायदे से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए या रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाना चाहिए और वकीलों और बार के साथ उनकी गद्दारी को देखते हुए और कई अवसर उनको दिया गया, कई बार चेतावनी दी गई, कई बार माफ़ी मांगे, यह निर्णय हुआ कि इनको अब निकाल देना ही ठीक है, इसलिए उनको भी बार की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। बार से निकालने के साथ साथ, सदस्यता खत्म करने के साथ साथ हमने व्यवस्था दिया था कि दरोगा सिंह के खिलाफ जो इतना कूट रचना किया, गबन किया इन्होंने, सारे प्रकरण को देख करके और FIR दर्ज कराई जाए। इसके संबंध में हमारे मंत्री जी कार्रवाई किए हैं और FIR दर्ज हो गई है और FIR इनके खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471, 406 IPC में थाना कोतवाली मऊ में दर्ज हुई है। क्या ये सब गंभीर धाराएं हैं, इसमें जेल जाना होगा, इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। और अभी और इनका मामला है, हमको लगता है कि आने वाले 10 दिन 15 दिन में इनके खिलाफ कई FIR होंगे, जितना घोटाला है सब दूर किया जाएगा और बार को पाक साफ बनाया जाएगा, अधिवक्ताओं के हित की रक्षा के लिए जो भी करना होगा किया जाएगा। तो केवल महामंत्री तो कई एक गुजरे हुए हैं, तो क्या सिर्फ एक ही अधिवक्ता ने, मतलब एक ही महामंत्री ने सब गबन घोटाला किया या और लोगों ने भी किया? नहीं, ये जिसे और कोई घोटाला सामने आया नहीं हम लोगों के, अगर आता तो हम लोग जरूर कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये जो है ये तो घोटालों के बादशाह हैं, कचहरी में माफियागिरी करते थे, कोई अधिवक्ता डर के मारे के खिलाफ खड़ा नहीं होता था। मतलब ये कहने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से योगी सरकार मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई कर रही है उसी तरीके से आप लोग दरोगा सिंह घोटाले? नहीं, अच्छा ये बताइए, और लोग पूर्व महामंत्री रहे हैं, और लोग भी पदाधिकारी रहे हैं, हम क्यों नहीं और किसी के खिलाफ करते? चूंकि इनका सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसको कहीं छुपा के आप ले नहीं जा सकते हैं, रजिस्टर में कटिंग है, पैसा निकाला गया है, अपने मंत्री थे अपने मीटिंग करके पैसा निकाल लिया इन्होंने, मतलब कुछ छोड़ा नहीं इन्होंने। और जब मैं व्यवस्था दे रहा था तो लगातार धमकी और गाली दे रहे थे। अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अभी और भी जो मामले उन पर FIR दर्ज कराना और फिर बैठ के हम लोग तय करेंगे कि और क्या कहां कहां इनका और नूतन घोटाला किया उसको देखना। कचहरी के कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो इस कार्रवाई से नाराज हैं? नहीं, इक्का दुक्का जो उनके पैसा वैसा खाते होंगे, उनके पैसे पर पलते होंगे 10-5 लोग होंगे, बाकी आम अधिवक्ता बहुत खुश है।
और पब्लिक में भी बहुत अच्छा संदेश गया है कि पहली बार कोई ऐसा अध्यक्ष आया जो इस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया और व्यवस्था दिया। वकील साहब, आज आपके ऊपर FIR दर्ज हुई है गंभीर धाराओं में, तो किस तरह की FIR और मामला क्या है? देखिए, जो मामला झूठा होता है जी, वो निश्चित रूप से गंभीर बना करके ही किया जाता है, क्योंकि जो FIR हुई है वो FIR के कापी भी मेरे पास है। उसमें यह लिखा गया कि मैंने 1,20,000 रुपया जो है बार के खाते से निकाल लिया। सही स्थिति यही है कि वह पैसा मेरा था, और वह पैसा कैसे मेरा था मैं आपको बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी ने मेरे प्रपत्रों की जांच किया और तत्कालीन महामंत्री द्वारा जितने भी प्रपत्र दिए गए उसके आधार पर ही उन्होंने जांच किया और 1,30,000 रुपया जमा करने की अनुशंसा किया। उस अनुशंसा के अगेंस्ट हमने बार काउंसिल के निर्देशानुसार जमा कर दिया, और जब मैं बार काउंसिल के निर्देशानुसार जमा कर दिया और उसके बाद मैं बार का सदस्य हो गया। इसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में हमारे बाद संजय त्रिपाठी जी महामंत्री हुए और उन्होंने मेरे आय व्यय का, मेरे ही नहीं, 3-4 कार्यकाल का बाकी था, आय व्यय मेरा था, प्रभुनाथ सिंह का था, सत्येंद्र राय जी का था, संजय त्रिपाठी जी का खुद था, एक ही ऑडिटर से जाँच हुआ। उस ऑडिटर ने यह कहा कि यह 1,30,000 रुपया जो जमा है वह इस आय और व्यय से अधिक है, और उसने कहा कि इसमें मात्र कैश इन हैंड 9,989 रुपया ही ऐसा है जो कि देय है। उस पैसे को 1,30,000 में से डिडक्ट करके यह पैसा बार के खाते में से वापस किया जा सकता है। वह पैसा मेरा था क्योंकि विथ ऑब्जेक्शन मैंने जमा किया था, उसकी रसीद है मेरे पास, अगर आप कहें तो अभी दिखा भी दूं, विथ ऑब्जेक्शन जमा करने की भी, और वह रसीद है मेरे पास। और उस पैसे को इसके बाद बार की जनरल सभा हुई और उस जनरल सभा में अध्यक्ष की व्यवस्था आई कि यह पैसा दरोगा सिंह का है और 1,30,000 रुपये में से 9,889 रुपया लेकर के शेष पैसा ये ले सकते हैं। उस आधार पर बार के जो व्यवस्था है उसके आधार पर मैंने वो पैसा लिया, और वो पैसा मैंने चेक से लिया है, ऐसा नहीं कि मैंने चोरी चमारी से लिया है या जबरदस्ती घींच लिया है। और उस समय मैं बार का महामंत्री था, मैं चाहता तो वैसे भी ले सकता था, लेकिन उस पैसे को मैंने चेक से लिया। उस चेक पर मेरी और मेरे कोषाध्यक्ष जी की दस्तखत है और उसकी वो व्यवस्था भी आई हुई है। आपको बार से निष्कासित कर दिया गया, इसके लिए आपने क्या किया? बार से निष्कासित किया गया, हमारी जो मातृ संस्था है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उस पर मैं जाकर के इनके इस व्यवस्था को चैलेंज किया। उस मेरी मातृ संस्था ने इनकी व्यवस्था में बहुत सारी अनियमितताएँ पाईं और उसने तत्काल प्रभाव से इनकी व्यवस्था को जो 25/6/2021 को दी गई थी उसको स्थगित कर दिया और उसमें एक बार काउंसिल के सदस्य महोदय को जांच के लिए नामित कर दिया। क्या बार काउंसिल ने अगर स्थगित कर दिया है तो बार एसोसिएशन जो आपका है उसके अधीन है या उसको मानेगा? देखिए, बार एसोसिएशन का तो मेरे यहाँ बार काउंसिल का एफिलिएशन ही है और बार काउंसिल ही मेरी मातृ संस्था है, वही मेरा रजिस्ट्रेशन करता है, वही मुझे वकालत की लिए लाइसेंस देती है। अगर वह न दे या मेरी लाइसेंस वो वापस ले ले तो वकालत भी आदमी नहीं कर सकता है। बार एसोसिएशन से निकाल दिए जाने पर ऐसा नहीं कि कोई बार प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वह जो आदेश हुआ है अगर ये नहीं मानते हैं तो भाई या तो दोनों के दोनों अपने ढंग के हैं, न माने तो कोई बात नहीं, क्योंकि इनको न वकालत आती है, न वकालत से कोई पैसा है, न वकीलों से कोई मतलब है इनसे। ऐसी स्थिति में अब आपका अगला कदम क्या होगा जब आपको बार समर्थन नहीं कर रहा है? आप बार के 3 बार महामंत्री भी रह चुके हैं। नहीं, बार पूरी मेरे साथ है, बार तो पूरा जो बार के सदस्य हैं मेरे साथ हैं और उनका प्रेम स्नेह मेरे साथ बना हुआ है। या मात्र एक हिस्ट्री सीटर है विनोद कुमार पांडे जो कोतवाली के 15 नंबर पर उस पर लगा हुआ है, और एक रजिस्ट्री ऑफिस का दलाल है, प्रॉपर्टी डीलर है अजय कुमार सिंह जो महामंत्री है। इन दोनों को छोड़ दीजिए तो पूरा बार मेरे साथ है। जिन गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई है
इसमें तो सीधे गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। बिल्कुल गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन गिरफ्तारी आम वे में नहीं हो जाती है। अभी इसमें जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि विशेष परिस्थितियों में ही गिरफ्तारी होगी। ऐसा थोड़े कि अगर आवश्यक नहीं है तो गिरफ्तारी होगी। दूसरी चीज़ की यही नहीं, अगर व्यक्ति का ऐसा आचरण हो तो भाग रहा हो, भागने वाला हो, यह हमको कहाँ भागना भागने वाला है। और न मुझे इस धारा जो मेरे खिलाफ़ लगाई गई है, वह तो भाई लगाई गई है, लेकिन उसको मैं रिपीट करूँगा, रिपीटर करूँगा कि देखिए पैसा मेरा है, किस लिए मैं लिया, कैसे लिया, इस समय विवेचक महोदय को अपना सब पेपर उपलब्ध कराऊँगा। शासन प्रशासन या अपने अधिवक्ता साथियों से कुछ कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन से तो बिल्कुल अपना बात मैं अपने माननीय कप्तान साहब से मिलकर के अपनी पूरी बात रखूंगा कल कि देखिए साहब मेरे खिलाफ जो है या गलत धाराओं में FIR दर्ज कराया गया है और उसकी अब पूरा पेपर है, उसकी आप जांच कराइए, जांच कराने के बाद ही वो करूँगा। हो तो क्या लगता है व्यक्तिगत द्वेष की भावना से ये सब किया जा रहा है? सब व्यक्तिगत द्वेष की भावना से किया जा रहा है, राजनीतिक द्वेष की भावना से किया जा रहा है, इसमें थोड़ी भी यह बात नहीं है कि इससे हट करके कोई बात है। आरोप मुक्त होने पर आप इनके अगेंस्ट कुछ करेंगे? नहीं, अब देखिए मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि आरोप मुक्त होने के बाद जो है इनके पीछे मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, वो तो जैसी स्थिति रहेगी और समय रहेगा वैसा देखा जाएगा। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।